विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते राजा राम पुत्र हलूका रावत निवासी गोहटा को करंट लग गया है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया है। अगर यहां बात की जाए तो विद्युत विभाग की साफ लापरवाही देखने को मिलती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां से निकलती हैं, तो वहीं 407 वाहन जा रहा था, तभी विद्युत लाइन की चपेट में यह शख्स आ गया है, जिस कारण से हादसे का शिकार हो गया है। जिम्मेदार हमेशा की तरह कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और मासूम लोग अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर बने हुए हैं। क्या हुआ है कि ये लाइन नीची है और पूरी लाइन नीची है, काठोन बवा में पंचायत में, और वो क्या है नीची लाइन है और वो गाड़ी लेके जा रहे थे, वो गाड़ी से करंट लग गया। बड़ी लाइन थी, बड़ी लाइन थी। कौन सी जगह लगा? बरगमा, दरगमा, दरगमा, दरगमा। अच्छा, कितने बजे लगा था? कहाँ से जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? करब भरे कहाँ से जा रहे थे? कोटा से। कहाँ कहाँ के लिए जा रहे थे? जब ये रास्ते में लगा होगा, ये कैसे थे भैया? अच्छा, 407 इन्हीं की है। अच्छा, खुद ही चला रहे थे तो करंट कैसे लग गया? तार टूटा था, लाइन की नीचे थी। उसको क्या 11 KV की लाइन से उसको करंट लगा हुआ है जी, और उसकी हालत क्या गंभीर है जी। उसको क्या है शॉर्ट सर्किट लगने का, उसको रप्चर भी हुआ है जी, उसकी हालत गंभीर है। इसके लिए हमने ग्वालियर के लिए रेफर किया है। सिर में भी हेड इंजरी है, तो इस कारण उसको MRI की जरूरत है जी, इसलिए हमने उसको ग्वालियर के लिए रेफर किया है।